हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट राधिका शर्मा। तो जैसे कि हम लोग इन और लास्ट वीडियो इन प्रीवियस वीडियो द टॉपिक वाज गोइंग ऑन इज फॉर्जरी, और इसी के ऊपर हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस द सेक्शन आईपीसी सेक्शन 466। द प्रोविजन है ऑफ दिस सेक्शन इज फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर। यानी अगर फॉर्जरी होती है कोर्ट के रिकॉर्ड में या फिर पब्लिक रजिस्टर में, तो उसका क्या प्रोविजन है हमारे आईपीसी में। तो द सेक्शन 466 स्टेट दैट हूएवर फॉर्ज अ डॉक्यूमेंट पपोर्टिंग to be a record or proceeding of or in a court of justice or a register of birth, baptism, marriage or burial or a register kept by a public servant as such or a certificate or document purporting to be made by a public servant in his official capacity और कोई अथॉरिटी है टू इंस्टीट्यूट की और डिफेंड अ सूट और टू टेक एनी प्रोसीडिंग्स देयर इन और टू कन्फेस जजमेंट और अ पावर ऑफ अटॉर्नी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल बी ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। एज इन ये जो ऑफेंस है इज फॉर्जरी का, अगर फॉर्जरी करते हो रिकॉर्ड की कोर्ट के रिकॉर्ड यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिकॉर्ड की और ऑफ अ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स ETC जो कि रखे गए हैं बाय पब्लिक सर्वेंट, तो आप एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं और इम्प्रिजमेंट होगा उसमें 7 ईयर्स का, मैक्सिमम 7 ईयर्स का, एंड ऑल्सो फाइन भी लायबल होगा। And it is a non-cognizable offense, non-bailable offense. So that's all about the 466 section. We'll back soon with the new legal idea. Till now, thank you guys. Thank you so much for watching us.